हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मैथ विद कमल। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 का पहला नंबर सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला नंबर सवाल है। देखो, ये सवालों के लिए जैसे दिया है साइंस 60 कॉस 30, ठीक है, प्लस साइन 30 और कॉस 60। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट होता है जो याद होना चाहिए। तो मैं बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत लोगों को आता होगा, सारे मान इकट्ठे होंगे। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 1/√2 होता है, साइन 45 का मान, मतलब सबको कुछ याद होगा। और जिसको नहीं याद है याद कर ले, या चार्ट समझना है जो भी है मुझे कमेंट करके नीचे, मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो थोड़ा सा जागरूक है, मान लो जो जान गए हैं, जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं पहला, और कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ट चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो जो यहाँ पे आएगा मैं बताता जाऊँगा आपको, ठीक है ना, कौन किसकी कितनी वैल्यू है। बस सिंपल सा रखना है और सॉल्व सॉल्व हो जाएगा। जैसे साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। कॉस 30 यही, जैसे कि √3/2 ही होता है, ठीक है। जो साइन का तो मान याद रखोगे तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 के बराबर होगी, ठीक है ना। चार्ट के हिसाब से जब याद कर लोगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान क्या होगा, 1/2 ही होगा, ठीक है ना। √3 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तब इसका 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 1, तो कितना हो जाएगा, 4/4, कितना आंसर आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा पहला नंबर सवाल सॉल्व हो गया, पहला नंबर सवाल सॉल्व हो गया हमारा। अब इसी हिसाब से हम दूसरा भी कर लेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। दूसरा नंबर सवाल दिया है कि 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 30, ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सवाल को, दूसरा नंबर सवाल। तो 2 × tan² 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती, ठीक है ना। 1² प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी, तो साइन 60 का मान √3/2, तो cos 30 का मान √3/2 माइनस, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी हमने बताया, जो cos 30 की वैल्यू होगी वो साइन 60 की वैल्यू होगी। चार्ट के हिसाब से याद करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2 1² 1 ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस √3/2² यानी √3² 3 हो जाएगा, और 2² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस इसी तरीके से √3² 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो हमारा बचा केवल 2 + 2, ठीक है ना। प्लस का 0 माइनस ये कट गया ना, तो मतलब समझने जो है तो ये केवल 2 ही बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा नंबर सवाल, ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं तीसरा नंबर सवाल, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर सवाल देखना, तीसरा नंबर सवाल में क्या दिया है। तीसरा सवाल देखो, हम अब सवाल नहीं लिखेंगे, इसी में देखना, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, सॉरी 1/√2 दोनों की होती है, ठीक है ना। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू, अब यहाँ पे sec 30, अब देखो sec किसका अपोजिट होता है, कॉस का, कॉस का अपोजिट क्या होगा, sec होता है, कॉस थीटा बराबर 1/sec θ, ठीक है, नहीं अपोजिट चलता है, और साइन का अपोजिट cosec चलता है, ठीक है। यानी कि हमको केवल cos 30 की वैल्यू याद रख लो, cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें sec 30 की बोल रहा है, तो उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस अब cosec, देखो हमको केवल याद रखना है साइन की, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई
टू, तो कोसेक 30 की वैल्यू अपोजिट कर दो, टू हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम इस सवाल को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/√2 पगा 1/√2 ही रहेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व, इसको अभी कुछ नहीं कर सकते, इसको अब हम एलसीएम ले सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस जब √3 एलसीएम लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। क्यों पता है ना, √3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/√2, ये पूरा का है तो 2 + 2√3 बट इट पूरे का √2 है, √3, ठीक है ना, ये याद रखना। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा √1, ठीक है, ये √2 का यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2√3। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 2 और √6 हो जाएगा, दो तीन दुने 2, √2 इन 2 × 3 कितना हो जाएगा, √6 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, √3 पूरा बटा लगा दो, 2√2 + 2√6, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कहीं गलत नहीं है, गलत हो तो थोड़ा देखिएगा, वैसे से गलत नहीं है। सिंपल एक वॉज 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, और sec 30 की वैल्यू जो cosec 30 की वैल्यू यानी cos 30 की वैल्यू का अपोजिट होता है, cos 30 साइन 60 के बराबर, साइन 60 मान √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3, सिंपल सा है। कोई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो ये 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू, ठीक है ना। तो कुछ खास है नहीं, सिंपल सा, अगर आपको फार्मूले सारे याद हैं तो आप सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल लास्ट है आपके लिए, ठीक है ना, पांचवा नंबर कल करेंगे, ताकि हम क्लास का थोड़ी मेमोरी भी याद रहेगी कि हमने कौन सा सवाल मतलब कल कैसे किया था, क्या फॉर्मूला याद था। अब चौथा नंबर सवाल देखते हैं, रखते जाएंगे केवल सवाल, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/ कितना होता है, 2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस कॉसिक 60 दिया है, तो कॉसिक साइन 60 का मान कितना होता है, 2/√3, तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें नहीं है उसको बट इसमें ऐसे लगा लो, जैसे कि 1/1 कर लो, ठीक है ना, 1/2 सब में दिया ना, तब sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू वही क्या होगी, 1/2, cot 45 और cot 45 की वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। तो अब कितना हो जाएगा देख लो, तो पूरे वाले में ऊपर वाले में 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ने ऐसे पूरा ले लिया, ठीक है ना, तो देख लो क्या क्या आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है, इसमें 2 आ जाएगा और इसमें √3 आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें देख लो, इसमें नीचे एलसीएम कितना आ रहा है, इसमें 2√3 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 में से कॉमन आ जाएगा √3 का भाई, ठीक है ना, तो एलसीएम लेने के हिसाब से, तो इसमें 2 × 2 हो जाएगा प्लस इसमें 1 है √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 इसमें दोनों हो जाएगा, 2 × √3 √3, ठीक है। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 1 + 2 √3 हो जाएगा, तो 3 + √3 बटे 2, इसी तरीके इसमें देख लो क्या हो जाएगा, 2 × 4 + √3 + 4√3, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा,
तो ये 3 + √3 का बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और तो √3 तो लिखा ही नहीं हमने, और किसका हो जाएगा 4 + ये इसके आगे 1 है, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, बटे 2 √3, और इसका ये √2 कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कितना हो जाएगा। अब ये इसका गुणा इसमें 1 बचा है यहाँ पे, इसका गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा ये, अब 3 √3 हो जाएगा प्लस ये √3 × √3 हो जाएगा, इसमें 3 का, इसमें √3 का गुणा करते, समझ रहे हो ना, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा 4 का, ये ऐसे ही रहेगा 4 + √3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ कमेंट कीजिए, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।